देवेश गोचीन स्वप्न देवदेव से ग्रहण से संग्रह पया पृथिव्या पयोगदेशूपे देवेन्द्रक्षी पयुदा पयस्पति सन्त मह्यम श्रद्धा सुसत्तमा घृत स्नान समर्पयामि नमो नमः। मॉर्निंग एवरीवन, तो आज है संडे, आज है हरियाली तीज, तो सबको हैप्पी हरियाली तीज। तो तैयारी कर ली है मैंने, वैसे तो सुबह 5 बजे मेरे को सोके उठना था लेकिन मैं नहीं उठ पाया, लेट हो गया हूँ। अभी 7:30-8 बज रहा है क्योंकि मैं 3-4 बजे सोया ही था, मैं इसलिए मैं लेट हो गया हूँ। मैंने रात को पूरी तैयारी कर ली थी, क्या दिखा सकता हूँ मैं आपको, ये देखिए तो पूरी पतंग तैयार है जूते और कन्ने देके, और यहाँ पे ये मज्जा तैयार है, बस अब छत पे जाना बाकी है। तो ये देख, ये है यहाँ का माहौल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई थिंक दादा ने ब्लॉग सुबह शुरू किया था, अभी हो रही है दोपहर और हम लोगों का खाना हो गया था। आज तीज है तो काफ़ी सारी पतंगे उड़ रही हैं आसमान में, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत सारी पतंगे उड़ रही है। पर इतनी तेज़ धूप है कि आँखें नहीं खुल रही है यहाँ पे। तो अभी ना अभिषेक होना है तो मैं जाकर थोड़े कपड़े चेंज करके एक बार पानी डाल के आऊँगी, क्योंकि हम लोग वॉशरूम वगैरह चले जाते हैं बीच में, तो वो चेंज करके आऊँगी। रिलेटिव्स आए हुए थे कुछ, तो मतलब कि कोई ना कोई आ ही रहा है अभी। तो आपको पता है क्या बोलते हैं, कल हम लोग और हम लोग कल जा रहे हैं, मतलब घर जा रही हूँ मैं अपने फैमिली घर, तो कल हम लोग जा रहे हैं घर भी, तो अभी पैकिंग भी करनी है। पार्लर वाली भी मैंने बुला के रखी क्योंकि वहाँ पे मैं पार्लर के लिए निकल नहीं पाती। पापा की तबीयत पहले से काफ़ी अच्छी है, बेहतर है, और अभी चलते हैं चाय बनाते हैं। और पंडित जी आने वाले हैं और मैं से पहले पर जाकर चेंज कर लेके ताकि हम पूजा के लिए बैठ पाए। मुझे डुगू को भी तैयार करना था पर डुगू भी सोया हुआ था। उसमें हम कर ही ले रहे हैं, वही बोल रही इतने प्यारे प्यारे एप्पल एप्पल। तो आज दिन अच्छा है वैसे, है ना? तो एक तो पापा ठीक होके आ गए हैं इस खुशी में, और एक सावन चल रहा है तो एक अभिषेक होना ही था, है ना मम्मी? तो अभी थोड़ा मंडे वंडे होता है, मैं जल्दी करा रही मम्मी। वो तो लंबी चलाती है, चारों उसमें जाती है, लंबी एक दिशा में जाती है। हाँ। वो गोल वक्त की सब्जी सौरों के लिए नहीं जलानी चाहिए। हाँ। उतना के लिए लंबी ही जलानी, बाकी चलो ठीक। अच्छा के लिए लंबी बनाना। वो क्या शिवा, हमारे तो पता नहीं वो शिव जी कहाँ चले गए थे, कैसे दे कर भूल गए। ठीक है, तो हमें तो शिव जी और चाहिए। आपकी बार कभी आना हो तो केशवाय नमः, ओम नारायण नमो माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः नारायण पी जाओ पी जाओ। अच्छा, केशवाय कृपया परशुराम से सत्य के चिरजीवन सत्य संस्कृत नित्य मातंड। क्या क्या माहौल है यहाँ पे, तो पूरे आसमान में पतंग ही पतंग है, देखिए। ओह, अब
अभिषेक हो गया है, पार्लर वाली भी आ गई है, चाय बन गई है नीचे। यहाँ बहुत मस्त मस्त पतंग उड़ रही है। राजा ने अपनी कितनी पतंगें तो कटवा चुके हैं, अब इनके पास रह जाएगी कुछ ही पतंग पड़ी है जो कि उड़ाने के मूड में है या नहीं। दिन में इतनी धूप थी तभी पतंग उड़ रही थी यहाँ पे, है ना। हाँ तो चलिए अभिषेक वगैरह सब हो गए। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. अभी वैक्सिंग और आईब्रो हो गई है और मैं आई हूँ किचन में। और पापा के लिए ना हम लोगों ने खिचड़ी बना दी थी, तो खिचड़ी अभी बची है थोड़ी सी। इसमें दीपा ने खा लिया, पापा ने खाया है, थोड़ा सा मम्मी ने खाया है और एक कटोरी मैंने खाया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं पतला करूँगी और इसे अदरक को, और अगर पापा को एक बार और खानी होगी तो पापा एक बार और खा लेंगे। तो मैं थोड़ी सी ना मैगी बना रही हूँ मटर गाजर वाली, क्योंकि जबलपुर में ऐसा है, आई थिंक कुछ लोग रिलेट करेंगे, आप मुझे बता भी सकते हो, हेल्प कर सकते हो। तो ना हम लोग के यहाँ पे फ्रोज़न मटर बहुत ही फ्रीक्वेंट लाइक मिलती है आराम से, फ्रोज़न मटर। पर ताज़ी मटर चाहे 150 रुपये किलो हो चाहे 200 रुपये किलो हो, मेरे को ताज़ी मटर कहीं पे नहीं मिलती है। तो मुझे लगा अब ठंड में खाएंगे इससे अच्छा एक बार यहाँ पे खाते खाते निकल लेते हैं। तो वैक्सिंग जो है ना पूरे अच्छे से कराई, थ्रेडिंग हो गई है, अपर लिप्स हो गई है, चिन एरिया जो है उसमें भी मेरे एक दो आते तो मैंने वो कल कर लिए थे। और अभिषेक हो गया है, तीज जो है वो हम लोगों ने बहुत सारे प्लान किए थे लाइक झूला वूला एंड मेहंदी वगैरह, बट कोई ना यार वो होता है, बहुत मन भारी है आज, मन बहुत ज़्यादा भारी है। आई थिंक समझ रहे हो मन क्यों भारी है, मन तो चलिए अभी तैयारी कर रही हूँ, चाय बना के लेके जा रही हूँ। चाय हम लोगों ने बहुत भगदड़ में पी थी चाय, क्योंकि जब हम चाय डाल ही रहे थे उस टाइम पे पंडित जी पार्लर वाली पंडित जी सब लोग बैठे हुए थे, हड़बड़ी में चाय पिए, इसलिए अभी एक बार चाय बना के पीते हैं। और वो गई है लड्डू को नीचे घुमाने, हो गई ना हाँ, तो वो लड्डू को नीचे घुमाने के लिए वहाँ पे हम लोग का जो गार्डन है जहाँ बहुत सारी घास उग चुकी है। और पता है बहुत ज़्यादा, वो मैं बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ। और मम्मा पापा हेलो, वाह अभी कैसे हो? अभी ठीक हूँ। ठीक हो? हाँ। डुगू बहुत देर सो लिया है, या उसके लिए मैंने खिचड़ी निकाली है, इसमें थोड़ा सा देसी घी डालूंगी मैं। अब मैं जा रही हूँ इसे खिलाने, चाय हो गई है बस, अभी मर ये जो है मैगी का सामान ही भुन रहा है, इसी से धीरे धीरे अपने हाथों से खिलाने का मजा ही कुछ आ रहा है।
अभी पैकिंग शुरू कर दी है और पहला बैग जो है वो मैंने लगाया है। एक्चुअली मैं घर आया ना तो मैं मम्मी जब भी कपड़े वॉश करती हूँ मैं प्रेस वाले भी डाल देती हूँ, इसमें ये भी डाल देती थी, तो ये सारे दोबारा से पैक करके लगाने हैं। कुछ कपड़े वॉशिंग में पड़े वो मम्मी बोल रही थी जल्दी धो के वो धो देंगे और सब खा दूँगी मैंने, तो सुबह मम्मी ही करती नहीं है। तो मैं यहाँ पर बैग लगा रही हूँ और जितने भी चीज़ें वो रख रही हैं जितनी अभी की अभी हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा। वो फेंक फेंक के खेल रहा है। तो पैकिंग हो गई है और कमर की वाट लग गई है। यहाँ पे ना रखा है अभी ये पैक करना है, एक सूटकेस ऑलरेडी पैक करके रखी है। ये है कल के पहनने वाले कपड़े, ये हैं मयंक जी आपको टैनिंग दिखाइए। मैं सारी टी शर्ट रख दी, अब मेरे से बात मत करना तुम, ट्रेन में पहननी है। पता ही क्या है बाल लगाएंगे फिर उसके बाल लगने वाले, तो बोझ के बाल लगेंगे। तो चलिए मैंने बहुत सारा टाइम भी 2 घंटे 3 घंटे 3 घंटे लगे होंगे मुझे, मैं कर रही थी 10:30-11 बजे से 1 बज रहा है और हो गया कल दिन में 1:30 बज रहा है, तो इसमें तो 1:15 हो रहा है ना, पीछे 1:30 बज गया चलो कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है, आधे घंटे पड़ता है वैसे पता है। तो हो गई है बस, अब कल थोड़ा बहुत देखेंगे। अब मेरे को इसी चीज़ की बहुत टेंशन थी, पैकिंग कैसे होगी कैसे होगी, क्या इधर मैं कल ही रख दूँगी फटाफट। चलिए मम्मी के पास चलते हैं। ये क्या हो रहा है रात के 1:30 बजे, क्या हो रहा है, पापा सोए था और आज यहीं पे है तभी काम हो पा रहे। हाँ वो टोकरी के पहले जो सेंटर टेबल पर वो डाइनिंग टेबल एक बड़ी टोकरी रखी थी ना, हाँ उसमें हाँ ये रहा लगा हुआ ये देख रहे ये फ़ोन ये कैसे पकड़ती हूँ, ऐसे नहीं पकड़ती, गिर सकता है ना ऐसे तो गिर जाएगा।